चलिए बात करते हैं 7 मई की अहम खबरों की। इंदौर के 3 मंजिला इमारत में लगी आग, 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे। दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आज से उत्कर्ष महोत्सव, जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। क्यूबा के हवाना में होटल साराटोगा में ब्लास्ट, 22 लोगों की मौत। तेलंगाना की हिरासत में लिए गए NSUI कार्यकर्ताओं से आज मिलेंगे राहुल गांधी। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर आज फिर से होगा सर्वे और वीडियोग्राफी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 8 मई को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पर इस्तीफा का दबाव, कहा नहीं छोड़ूंगा पद। इटली ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के $70 करोड़ के क्रूज को किया जब्त। न्यूयॉर्क के कनाडा से अमेरिका में अवैध तरीके से घुस रहे 6 भारतीय नागरिक गिरफ्तार। बर्लिन ने यूक्रेन के प्रतीक चिन्हों के बिना शांतिपूर्ण रैली निकालने की इजाजत दी। बर्लिन में 8 से 9 मई को शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे यूक्रेनी कार्यकर्ता। रूस से भारी गोलीबारी की आशंका के चलते ओडिशा ओब्लास्ट में 9 मई को पूरे दिन रहेगा कर्फ्यू। TMC ने कहा, हमारे शिकायत के आधार पर NHRC ने प्रयागराज मामले में पुलिस से मांगी रिपोर्ट। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 1 महीने बाद फिर लागू किया आपातकाल। कोलकाता में अमित शाह ने BJP नेताओं और RSS पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में की बैठक। मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा, तेजिंदर बग्गा के पीठ और कंधे में चोटें आईं। तेजिंदर बग्गा मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जमा की। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अजान के लिए मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम। धन्यवाद।